ये ठीक है सर, एक मिनट, एक मिनट, आप इन्होंने मेंबरशिप बनाया, फार्म भरा, आधार कार्ड बिगड़ लिए इन्होंने नहीं बनाया 2014 के बाद। तो जब आधार कार्ड इन्होंने लिया था तभी सर्टिफिकेट इन्होंने दिए थे, मेंबरशिप भी उसी से बनाई थी और आधार कार्ड से लिंक करके। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि सारे प्रबंधक लोग, और आज कह रहे हैं कि हमारे पास मेंबरशिप नहीं है। सतीश जी, जब आधार कार्ड नहीं बना था उसके पहले इस देश में अगर कोई प्रपत्र चलता था तो वो था वोटर कार्ड ही, और वोटर कार्ड से और पैन कार्ड से ही देश में बैंक अकाउंट खुलते थे, उसी से आपकी आईडी प्रमाणित होती थी, उसको बैंक भी मानते थे, उसको सहारा भी मानती थी, और सहारा में जब अकाउंट सहारा में आइडेंटिफिकेशन चाहिए ना साहब, तो ये सही बोल रहे हैं पंकज जी। आप अभी ना आधार कार्ड आया, लेकिन पैन कार्ड तो 20-25 साल से चल रहा है, वोटर कार्ड भी है, और दोनों आइडेंटिफिकेशन तो कंफर्म हो रहा है ना। एक मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, सभी को समझना भी चाहिए, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसा आप मान लीजिए कोई इन्वेस्ट करते इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड भी समझ लीजिए, मान लीजिए हाँ, अभी इस इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में जो 5 साल के बाद 10 साल के बाद मिलेगा, तो उस कागज में ही ये सब लिखा रहेगा कि सो एंड सो नेम, सो एंड सो पैन, और सो एंड सो आधार, या सो एंड सो वोटर आईडी, या कोई भी आईडी, सो एंड सो एजेंट। अभी जब ये अपना कागज देंगे सरकार के पास पोर्टल पे, वो कागज होगा मैच होगा, तो उनको पैसे तो तुरंत मिल जाने चाहिए। अगर उनको पैसे नहीं मिल रहा है तो मुझे लगता है इलेक्शन के बाद ये प्रक्रिया में जो त्रुटि है वो बदल देंगे और उनको पैसा मिल जाएगा। समस्या उसकी आप सोचिए ना, सरकार 21 लाख लोग लॉगिन कर रहे हैं, 1,19,00,000 लोगों के आवेदन रिजेक्ट किए गए। कल इकोनॉमिक्स टाइम की खबर है कि 2,77,000 लोगों को 258 करोड़ रुपए केवल दिया गया। आप आंकड़ा निकाल लीजिए, इसके पहले जब सहारा ऑफिसों से पेमेंट होता था तो यही एजेंट यही जमाकर्ताओं को आधार कार्ड वोटर कार्ड भी देते थे, उनका जो है 3 फोटो लगाते थे, पैन कार्ड लगाते थे, और बिटनेस है, अगर 19,999 के नीचे पेमेंट है तो बिटनेस में एजेंट दस्तखत करता था और 20,000 के ऊपर चेक से पेमेंट होता था। जब पेमेंट होता था तो सब प्रपत्र थे, और आज इन्हीं प्रपत्रों से देश के बैंक भी भुगतान कर रहे हैं। तो फिर सवाल आता है कि सरकार और सहारा की मंशा नहीं है, मंशा पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि आज इसमें सहारा का पीड़ित निवेशक को गुमराह सरकार कर रही है, और सहारा प्रबंधन जब कोई कानूनी कार्रवाई होती है अपने को बचाते नजर आते हैं तो तुरंत पैसा आ जाता है, और रिफंड पोर्टल के नाम से गुमराह की सोच में कोई पोर्टल की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ कई लोगों को जिन पर कार्रवाइयों का शिकंजा बढ़ा है, इन्होंने पेमेंट दिया है, उसका पूरा प्रूफ हमारे पास में है। आज अगर इतना बड़ा वर्ग प्रभावित है, अगर आप समझिए 1,21,00,000 लोग केवल सहारा की 4 स्कीमों में अगर पोर्टल पर क्लेम करते हैं, उनके परिवारजनों को जोड़ लीजिए, 6 करोड़ जनता केवल क्रेडिट सोसाइटी से प्रभावित है, क्यूशॉप नहीं है, जिसमें हाउसिंग नहीं है, जिसमें रियल एस्टेट नहीं है। नीरज जी, रुपया जहां तक है वो 25,000 करोड़ के आसपास सेबी के पास है, तो इसमें सहारा मंशा दे न दे कोई मायना नहीं रखता। सरकार के पास रुपया है, सरकार के पास कानूनी शक्ति भी है, अगर ये 25,000 करोड़ रुपए कम पड़ गए तो सहारा की जितनी चल और अचल संपत्ति को सीज करके निवेशक को देना है। सरकार ने ये मंशा जताई है, उन्होंने पैसा वापस करना, इसीलिए ये पोर्टल बनाया। समस्या बहुत आ रही है, आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं ये कंपनी ने जो मापदंड अपनाए थे निवेश लेने का, उसमें और सरकार का जो मापदंड है, जो प्रक्रिया है, उसमें थोड़ा अंतर। सरकार आपको सुनिश्चित, टेक्निकल दिक्कत ये आ रही है, टेक्निकल दिक्कत ये आ रही है, क्योंकि मैं सहारा में काम किया हूँ, ताकि पूरी नॉलेज है। इन्होंने जब सहारा चल रही थी तो इन्होंने कहा था कि देश भर में सहारा इंडिया के पास में 3 गुना प्रॉपर्टी है, और इस क्रेडिट सोसाइटियों का 62,000 करोड़ एम्बे वैली में लगा है। कहाँ लगा है? जिसका एफिडेविट इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में दिया,
62,000 करोड़ 86,673 करोड़ रुपए इन्होंने 4 क्रेडिट सोसाइटियों से उठाया और 62,000 करोड़ रुपए अरबी वैली में लगाए। तो देश भर में मेरे गुना के पास में संपत्तियां कलेक्टर ने रोक लगाई तुर्की के लिए, और वो संपत्तियां सहारा की नहीं है, जो सहारा की कैटलॉग में सहारा की संपत्तियां दिखाई गई थी वो इनकी अन्य 5,000 कंपनियों के नाम वो संपत्ति है जो तुर्की से बाहर हो गई, जिनको आप कानूनी रूप से सहारा की संपत्तियां नहीं बता सकते। तो ये प्री प्लान है। अरे भाई आप आल बल भी बोलने लगते हैं, एक मिनट रुकिए, 5,000 कौन सी कंपनी है इनकी? कई पांच मैं बता दूं आपको, मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज देता हूं। जी 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 4,000 कुछ कंपनियां हैं सर, जिनके नाम से देश भर में जमीनें खरीदी गई हैं। गन्ने की कड़ी बुनियाद जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।